ना मेरा नाम चंदा यादव है। दरअसल मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जो कल पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट की और उसमें जो बस वगैरह जो जलाया गया, ये किसी छात्र ने या फिर किसी आम जनता ने नहीं किया था, ये खुद पुलिस वालों ने जो है कि किया था। बस को खुद उसमें केरोसिन डाला और खुद ही जो है कि बस को जलाया था। मेरा जा नहीं रहा भाई, मेरे बाल में लेना पड़ेगा। ठीक मेरा नाम चंदन कुमार है और जो एक आरोप पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि जामिया के स्टूडेंटों ने ऐसा किया है, जामिया के स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जामिया के स्टूडेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो सरकार को चाहिए कि सरकार जाँच कराए इस बात की, एक फेयर फ्री एंड फेयर जाँच हो कि गलती किसकी थी। हमने देखा कि आप लोगों ने सबने वीडियोस देखा होगा किस तरह से पुलिस दरिंदगी कर रही है, उसे लाठीचार्ज या मारना नहीं होता है, वो जो कर रही थी वो दरिंदगी कर रही है। सरकार जांच करा ले अगर पुलिस का वो क्लेम है तो। और जो कल हो रहा था, एक होता है कि आप मारते हैं और मारते हैं भगाने के लिए और एक मारते हैं मार देने के लिए। जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पुलिस ने किया वो मार देने के लिए मार रहे थे। आप उस वक्त कहाँ पे थे, आपके सर में चोट कैसे लगी? मैं न्यू रीडिंग हॉल के वॉशरूम में था और मेरा एक और साथी था, तो हम दोनों ने सोचा कि पुलिस इतनी विभत्सकारी नहीं होगी कि यूनिवर्सिटी में घुसने के बाद वॉशरूम से निकाल करके लोगों को मारेंगी। 15-20 पुलिस वाले पहले अंदर आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, हम दोनों को खींच करके बाहर निकाला। हम दोनों ने हाथ ऊपर उठा कहा कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, प्लीज़ हम लोग को जाने दीजिए। तो वो उसकी जगह हम लोग को जाने नहीं दिए, वो घसीट करके बाहर तक निकाल आए। फिर 20 लोग बाहर थे, 20 पुलिस वाले, तो उन सभी ने मिल करके हम दोनों को मारना शुरू किया। और उसी दौरान लाठियां चारों तरफ से चल रही थी, कई सारी लाठी सर पे भी लगी, तो सर सर पूरा फट गया। आप बता रहे थे आपके टाके लगे हैं और जब मैं वहाँ से लाठियां चली और मेरा सर फटा तो मुझे दो लोग हॉस्टल तक लेकर के जैसे तैसे गए। पहले वहाँ पे थोड़ी सी वो रुई और पट्टी दिया तो खून नहीं रुक रहा था। उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया तो अलशिफा हॉस्पिटल का एम्बुलेंस आया, मुझे वहाँ ले गया। तो वहाँ देखने के बाद कहा गया कि आपको टाके की ज़रूरत है, तो वो 4-5-6 लगभग टाके उसमें वो लगाए। इस बीच क्या जामिया प्रशासन आपके साथ आपके हॉस्पिटल में आपको देखने आया था क्या? जामिया की तरफ से, जामिया प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को देखने नहीं आया था। एश्योरेंस ज़रूर देते रहे कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि फ़लाँ लोग को फ़ोन कीजिए, फ़लाँ लोग को कीजिए, लेकिन जामिया प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं था। और जब उसमें कई सारे लोग फ़ोन लगा रहे थे तो वो फ़ोन लग नहीं रहा था उनका। अच्छा, आपका नाम? चंदन। हाँ, मेरा नाम अक्षर इसका है। जैसे कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे होंगे कि एक गलत नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि कैसे जो बस को जो है वो प्रोटेस्ट देखेंगे। अगर आप विजुअल्स देखेंगे, प्रूफ्स देखेंगे, तो ये आपको देगा कि जो पुलिस है वो खुद कैरोसिन डाल रही है बस में और कैसे जला रही है बस को। और कल जो जामिया पे अटैक हुआ है विदाउट एनी परमिशन, जो पुलिस है वो कैंपस में घुस के, लाइब्रेरी में घुस के, रीडिंग हॉल में घुस के, इवन मस्जिद में घुस के लोगों को मार रहे हैं, तो उनका जो मकसद है वो ये नहीं है कि प्रोटेस्टर्स को मारने का, बल्कि मुस्लिम के अगेंस्ट ये पूरा इनका प्रोपोगंडा था, पूरा प्री प्लान था कि उनको मारना है। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जो वहाँ के इमाम थे उनको भी मारा गया है। इनफैक्ट जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो बचने के लिए वॉशरूम चली गई थी, लेकिन वहाँ पे लाइट ऑफ करके जो पुलिस है उन लोग ने उनको मारा है और उनको मोलेस्ट किया है। आपकी एक जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप एक स्टूडेंट को बचा रही हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्या बता सकते हैं कि उस दौरान का दृश्य क्या था? और पुलिस, जबकि आपके हाथ में कुछ थे नहीं, तो फिर इतना बर्बर हमला जो है पुलिस के द्वारा क्यों हो रहा है, आप बता सकते हैं क्या? उस वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं कि 5 फीमेल और 1 मेल प्रोटेस्टर है हमारे। पुलिस जब लाठीचार्ज करी थी तो हम लोग बचने के लिए हम लोग एक NFC में वहाँ पे घुस, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि पुलिस जो है वो घसीट के लेकर जाती है साथी को, और उनके पास प्रेस कार्ड था, वो जामिया में से मास और प्रेस में भी है और उनके पास प्रेस कार्ड था, लेकिन फिर भी उनको घसीट के लेकर जाया जाता है। इनफैक्ट 10 मिनट तक कंटिन्यूसली लाठी चार्ज किया जाता है उन पर, और जब हम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे, तो इवन हम जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी धमकी दी जाती है कि आप लोग चले जाइए नहीं तो हम भी आपको मार देंगे। आपको जब आप पे और जब आपके जो साथी पत्रकार थे उन पर जब हमला हुआ, तो वहाँ से आपको अस्पताल किसने पहुँचाया, जामिया प्रशासन, पुलिस या आम जनता ने? इनफैक्ट हेल्प करने के लिए तो कोई भी नहीं आया था। हम
पुलिस लाठीचार्ज करी 10 मिनट तक और वो चली गई। हम वहाँ पे खड़े थे, हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कैसे जाना है। हमारा जो साथी था वो बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी उसके मुंह से, उसके नाक से। हमारी जो दूसरी साथी थी उनको अस्थमा अटैक आ रहे थे, उनका जो गला है वो चोक हो गया था, शी कुडंट ब्रीथ। और हमारे पास कोई मतलब कोई स्कोप नहीं था कि हम हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए। फिर हमें ऑटो मिला और ऑटो में मतलब जुलैना तक हमें छोड़ दिया ऑटो से, क्योंकि उसके बाद वहाँ परमिशन नहीं था जाने का, आगे रोड ब्लॉक थे, तो हम पैदल ही गए थे होली फैमिली। मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट जो जामिया के स्टूडेंट हैं वो इस मार्च में कैसे शामिल हुए, और आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने ये सारी आपके क्या कहना है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने बस जलाया है और वायलेंस किया है, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम पीसफुली पार्लियामेंट स्ट्रीट में मार्च करेंगे, बल्कि वायलेंस उल्टा पुलिस वालों ने किया, लाठी चार्ज किया हम पे और आंसू गैस फेंके हम पे। और अगर आप विजुअल्स देखेंगे, अगर हमारे पास इनफैक्ट प्रूफ्स है, फोटोज है, वीडियोज़ है कि कैसे जो पुलिस है वो कैसे बस जला रही है केरोसिन डालकर, और अंदर बस के अंदर घुसकर वो लोग बस जला रही है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। तो ये जो पूरा फॉल्स नैरेटिव एक दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मतलब आपका कहना है कि स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने ये हिंसा नहीं फैलाई है। जी जी बिल्कुल, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम बस मार्च करने वाले थे जामे से पार्लियामेंट स्ट्रीट। हमने कोई वायलेंस नहीं किया है, जो भी वायलेंस किया है वो पुलिस ने किया है। आपका नाम? अख्तर इस्ता। मेरा नाम चंदन यादव है। जैसा कि कल हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से हमारे सारे साथियों पे हमला किया, और कैंपस में कैंपस को पूरा तहस नहस कर दिया। माने जैसे कि कोई लड़ाई का कोई क्षेत्र हो गया, उस तरीके से हमारे कैंपस को बना दिया गया। बच्चे जो बाथरूम में छुप रहे हैं, बस इंटरव्यू चले भी जा रहे हैं मारने के लिए, लाइब्रेरी के अंदर वो छुप के जो है कि बच्चे के ऊपर हमला कर रहे हैं, गर्ल्स मीटिंग हॉल में घुस के महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी किया है, जामिया के गार्ड्स कुछ गार्ड्स थे उनके साथ उन लोगों ने बदतमीजी किया है, मस्जिद में एक बच्चा जो है कि नमाज पढ़ रहा था तो उसको उसने बोला कि अरे पकड़ो रे इसको मारो ये नमाज पढ़ रहा है। इस तरीके से जो है कि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक किसी एक कम्युनिटी पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों पे। अलीगढ़ में भी जो है कल रात को बच्चों पे हमला किया गया था। तो ये सरकार और पुलिस जो है कि मिलके जो है कि स्टूडेंटों पे इतना बर्बर तरीके से हमला कर रही है, ये सिर्फ हिंदुओं का ही देश नहीं है, ये मुसलमानों का भी देश है और ये सबका देश है। कोई एक लोग निर्धारित करने वाले नहीं है कि यहाँ पे किसे रहना है किसे नहीं रहना है और कौन यहाँ जाएगा किसो, क्योंकि नागरिकता अगर आप किसी और को भी दोगे तो यहाँ के लोगों को पहले अपना कोई रोजगार दिए हो ना कुछ दिए हो, तो फिर आप कैसे किसी और दूसरे को जो है कि इनसे वो कराओगे कि मैं आपको नागरिकता दूंगा भारत का। ठीक है, आपका आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे में लगातार कमेंट हो रहे हैं, आवाज़ आ रही थी क्या? ठीक है, कौन फिर से।